एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ नवरात्रि का फोर्थ लुक। तो सबसे पहले मैं यूज़ करी फाउंडेशन एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर। तो मैं आज प्रोडक्ट्स नहीं शो कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जल्दी जल्दी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे सोचने में ही टाइम लग गया कि मैं इस लुक को कैसे क्रिएट करूँ। बट एट दी एंड मैंने सोचा कि नहीं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करते हैं, जो मतलब ऐसे नॉर्मली सिंपल जितना रखेंगे उतना ही अच्छा लुक आएगा। तो मैंने ये क्रिएट करा एंड इसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी फाउंडेशन और वगैरह को। बैकग्राउंड से नॉइज़ आ रही होगी क्योंकि नवरात्रि का टाइम है और यहाँ पंडाल लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा लाउड साउंड है। एंड इसके बाद मैं लूज़ पाउडर से सेट कर लूँगी अपने कंसीलर को, क्योंकि मेरे आई पे काफ़ी ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं कंसीलर के बाद, इसलिए। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी कॉन्टोर, अपना फेस कॉन्टोर करूँगी मैं। एंड इसके बाद लगाऊँगी मैं ब्लश, रेड ब्लश, क्योंकि पूरा लुक मैं रेड रेड ही करने वाली हूँ। और मैं बेस इसलिए पहले कंप्लीट कर ले रही हूँ क्योंकि आई मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, तो मुझे ये जल्दी जल्दी वीडियो बनानी थी, इसलिए मैं बेस कंप्लीट कर ली पहले। और उसके बाद मैं अपने आईब्रो सेट कर रही, आईब्रोज़ मैं थोड़ा डार्क ही रखने वाली हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल लुक में मुझे सबसे ज़्यादा सही आईब्रोज़ फोकस में लगता है और उसमें डार्क लुक ही ज़्यादा बेटर लगता है। तो बैकग्राउंड से धीरे धीरे करके काफ़ी नॉइस हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। और अब मैं यूज़ करी यहाँ पे आई शेडो। तो मैंने पीच पहले आई क्लिश पे अप्लाई करा, उसके बाद मैं रेड अप्लाई करूँगी। तो दो शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं मैट शेड ही दोनों अप्लाई कर रही हूँ, शिमरी शेड नहीं अप्लाई कर रही क्योंकि मुझे ऐसे कोई तामझाम ज़्यादा करना नहीं था, तो इसलिए मैं दो शेड यूज़ कर रही हूँ, रेड शेड एंड पीच शेड। और इसे मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी एंड लोअर लैश लाइन के नीचे भी अप्लाई कर लूँगी थोड़ा सा मोटा ही, क्योंकि मैं अप्लाई करूँगी काजल। तो मुझे आज का लुक तो काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैं वीडियो बनाने बाद ही एडिटिंग कर रही हूँ। और अब मैं अप्लाई करी काजल, तो मुझे काजल सबसे बेस्ट पार्ट लगता है आई मेकअप में। और पहले मुझे आईलाइनर नहीं लगाने आता था जब मैं टीनेज में थी, तो मैं क्या करती थी, अपने काजल से ही आईलाइनर अप्लाई करती थी, वो पूरा फैल जाता था, मैसी हो जाता था, बट मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब मैं अप्लाई करी आईलाइनर, तो अब तो मैं आईलाइनर काफ़ी तरीके का अप्लाई कर लेती हूँ और मुझे काफ़ी इजीली मैं अप्लाई कर लेती हूँ, मुझे ज़्यादा जाम झाम नहीं होता है अब। और अब मैं अप्लाई कर रही हूँ मस्कारा एंड इसके बाद हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं अप्लाई कर लूँ, मैं यहाँ पे गोल्डन शेड अप्लाई करी क्योंकि ये ट्रेडिशनल लुक है, तो गोल्डन शेड सबसे बेटर जाएगा। और इसके बाद मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक, लैक्मे की रेड लिपस्टिक है, तो ये काफ़ी 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 अच्छा है, मतलब कि ये शेड मुझे दोबारा नहीं मिला क्योंकि ये मैंने जब लिया था तो मुझे इतना शेड के बारे में आइडिया नहीं था जब मैं ये लिपस्टिक ले रही थी, क्योंकि मुझे अच्छा लगा मैंने परचेस कर लिया और कुछ टाइम बाद यूज़ करने बाद वो शेड नंबर मिट गया, तो मुझे ये सेम शेड की लिपस्टिक नहीं मिली, इससे डार्क ही मिली मुझे। और इसके बाद मैं यहाँ पे सिंदूर से अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक की हेल्प से, कैप की हेल्प से यहाँ पे बिंदी, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बिंदी मैं सिंदूर से अप्लाई करना चाह रही थी क्योंकि वो जो मुझे कलर चाहिए था एग्जैक्ट वो उसी में था। तो अब ये क्रिएट हो चुका है और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये लुक कैसा लगा। ये था मेरा डे फोर मेकअप लुक, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता रहा, और ये नवरात्रि का 9 डे सीरीज आपको कैसा लगा, माँ के 9 रूप में क्रिएट करूँगी मैंने पूरा सोचा था। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, न्यू वीडियो आज नोटिफिकेशन मिलेगा। बाय।